का अपना चैनल नमस्कार दर्शकों कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद परिसेमा एवं क्षेत्राधिकार पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री अरविंद कुमार शर्मा जी सर कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। दर्शकों जैसा कि हमारा आज का विषय है व्यवहारवाद परिसेमा एवं क्षेत्राधिकार तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे जो सिविल सूट होते हैं संपत्ति संबंधी जो व्यवहार विवाद होते हैं और जो सिविल नेचर के होते हैं कि, कि किसी का कोई पारिवारिक वैसा इशू है कि धर्म किसी धर्म को लेकर उसके साथ अगर कोई रोक की जा रही है या किसी ऐसे विषय पर उसका विवाद है जो सिविल सूट से रिलेटेड है तो उसमें क्या सीमा होती है प्रकरण दायर करने की और कहाँ वो दायर किए जा सकते हैं आज खास तौर से हम इसी पर बात करेंगे कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइफ ऑन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है वन दूसरा नंबर है जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपकी आज के विषय से संबंधित जो भी समस्या या जो भी आपकी क्वेरी है उसका समाधान इस मंच के माध्यम से आप कर सकते हैं तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं सर जैसा कि हमारा आज का विषय है तो सबसे पहले विषय प्रवेश करते हुए हम जानना चाहेंगे कि जो सिविल केसेस होते हैं उसमें परिसीमा एवं क्षेत्राधिकार संबंधी कानून क्या है देखिए सिविल केसेस में परिसीमा और क्षेत्राधिकार जी परसीमा और क्षेत्राधिकार दो एक दूसरे से जुड़े हुए तथ्य अब आप देखते हैं कि परसीमा का कानून कौन सा है जी। तो परसीमा का जो कानून बनाया गया है जी। वो लिमिटेशन एक्ट उन्नीस का है जिसे परसीमा अधिनियम या सामान्य भाषा में कहीं मर्यादा अधिनियम भी कहा जाता है जी। तो वो परसीमा अधिनियम उन्नीस के हिसाब से गवर्न होता है जी। और उसके अकॉर्डिंग ही परसीमा निर्धारित की जाती है जहाँ तक आप क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं जी। तो क्षेत्राधिकार के लिए स्पष्ट रूप से सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है इसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय वस्तु ऐसी नहीं है या कोई कानून ऐसा नहीं है जो क्षेत्राधिकार के लिए पृथक से बात करता हो क्षेत्राधिकार बात का क्षेत्राधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा जी इसलिए परिसीमा के लिए परिसीमा अधिनियम उन्नीस और क्षेत्राधिकार की बात होगी व्यवहार बात की तो सिविल प्रक्रिया संहिता के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा जी सर आपने बताया कि परिसीमा और क्षेत्राधिकार के लिए क्या कानून है तो सर परिसीमा जो शब्द है एक कानूनी शब्द है ये जी, जी। अगर सामान्य भाषा में हमारे दर्शकों को हम समझाना चाहें तो परिसीमा से क्या आशय है कानून में और एक आम आदमी इसको कैसे समझ सकता है बिल्कुल सही बात आपने की जी परसीमा जो शब्द है वो कानूनी शब्द है जी और अगर आप परसीमा से आशय समझना चाहते हैं तो अगर परसीमा अधिनियम 1963 को पढ़ेंगे तो भी आपको वो बात स्पष्ट रूप से सामान्य मनुष्य के ज्ञान में नहीं आएगी क्योंकि परसीमा के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन टू में कि परसीमा से अभिप्रेत है कोई वाद अपील या आवेदन जी। और जो विहित काल है और उसमें प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वह पीरियड है जो परिसीमा है और परिसीमा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है ऐसा परिसीमा अधिनियम में लिखा है लेकिन सामान्य शब्दों में अगर परिसीमा को समझा जाए तो एक लिमिटेशन बना दी गई है कि, कि किसी भी प्रकार के वाद को या किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को यदि आप न्यायालय ले जाते हैं तो उस डिस्प्यूट को कितनी अवधि तक आप दायर कर सकते हैं उसके संबंधित मुकदमा दायर कर सकते हैं तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन बनाई गई है अगर परसीमा नहीं होती तो सोचिए क्या होता परसीमा नहीं होती तो कोई वाद मान लीजिए 1976 का है बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ किसी के दादा दादी के और आज नई पीढ़ी आके ये कहे कोर्ट में कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज सही नहीं था इसलिए एक लिमिटेशन बनाई गई है कि जिस दिन डिस्प्यूट एराइज होगा उससे एक लिमिट बनाई है लिमिटेशन एक्ट में उसके अंतर्गत अगर आप वाद दायर करेंगे तो वो सुना जाएगा तो सामान्य शब्दों में परसीमा को ये कह सकते हैं कि एक अवधि या एक परिधि बनाई गई है जिसके अंतर्गत आप डिस्प्यूट का निराकरण कराने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं जी आपने बहुत अच्छे सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया और बहुत अच्छी बात कही कि सोए हुए व्यक्ति के लिए कानून में कोई जगह नहीं है कोई सहायता नहीं है जो जागरूक है वही इसका लाभ हाँ, ले जो जागरूक है, है वही कानून का लाभ ले सकता है सोता हुआ व्यक्ति तो कानून का लाभ नहीं ले सकता बिल्कुल आपने उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया सर हम परिसीमा की जब बात करते हैं और आपने बताया की तीन साल की परिसीमा है जी, तो इसकी गणना किसी केस के लिए होती है सर एक कॉलर लाइन पे हैं नंद स्वरूप जी हमारे साथ हम उनका सवाल लेते हैं नंद स्वरूप जी कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है बताइए क्या पूछना चाहते हैं नमस्कार सर मैं जानना चाहता जो कानून बनाए गए हैं पुराने जमाने तो तो है अच्छा है। हाँ, समझ, समझ में आया होगा कि दुरुपयोग ना हो जो कानून पुराने समय में बने हैं जी जी तो जैसा समय सीमा पे हम बात कर रहे हैं आपने बताया था देखिए जो भी कानून बनाए गए हैं वो व्यक्ति के लिए समाज के लिए उनके सहयोग के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं कोई भी ऐसा कानून नहीं कहता कि दुरुपयोग किया जाए किसी चीज का बिल्कुल ये स्वयं में होना चाहिए कि हम दुरुपयोग ना करें ना करे। ये सामान्य जागरूकता की भावना है कोई भी है। कानून नहीं कहता और पुराने कानून हर कानून में एक लिमिट है और जो दुरुपयोग करता है तो उसको उस चीज को बताना पड़ेगा कोर्ट में जब आप मुकदमा दायर करते हैं किसी के गलत मुकदमा दायर कर दिया आपने तो आपको इस बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उस चीज़ को आप कोर्ट में लेके आए हैं तो आप प्रूव करिए हम सिविल सूट की बात कर रहे हैं जी। सिविल सूट में अगर कोई गलत वाद लाता है तो वो उसे प्रमाणित करना होगा बिल्कुल तो दुरुपयोग करना और दुरुपयोग से बचना जी। दो अलग अलग तथ्य हैं और कानून कभी भी किसी को दुरुपयोग करने के लिए नहीं कहता

दिलाया जा सकता है सेक्शन थर्टी फाइव में कम्पनसेशन दिलाया जा सकता है उसमें लिखा हुआ है मिथ्या या तुच्छ या परेशान करने वाले वाद दायर किए जाते हैं तो न्यायालय के सामने ये प्रमाणित होता है तो वो उसको दिला सकता है कम्पनसेशन बिल्कुल नंद स्वरूप जी जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कानून किसी को दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता और फिर भी कोई करता है तो उसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं और ये साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जी सर हम बात कर रहे थे कि परिसीमा की गणना कहाँ से होगी किसी भी सिविल सूट में यदि कोई केस दायर करना चाहता है तो देखिए सिविल सूट में परिसीमा की गणना करने के लिए जब हम परिसीमा की बात करते हैं तो परिसीमा अधिनियम उन्नीस सौ तिरसठ में शेड्यूल बनाया गया है सेक्शन है सेक्शन के बाद शेड्यूल बनाया गया है तो जो शेड्यूल है वो तीन प्रकार के परिसीमा की बात करेगा एक बात करेगा सूट के रिलेटेड दूसरा बात करता है अपील के रिलेटेड और तीसरा वो बात करता है एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं सिविल सूट की बिल्कुल तो जब हम सिविल सूट की बात करते हैं उस समय परसीमा के लिए जो सूट्स रिलेटेड चीज़ें हैं जो सूट दायर किए जाएंगे, वहाँ पर परसीमा की गणना उस समय से की जाएगी जिस दिन डिस्प्यूट एराइज होता है जिस दिन विवाद उत्पन्न हुआ उस दिन से उस अवधि तक जैसा एक्ट में बताया गया है जी, अगर आप कहेंगे तो एक्ट में भी बताएंगे कि कितनी लिमिटेशन मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक किराएदार और मकान मालिक का विवाद है जी, किराया वो नहीं दे रहा हैं तो जनरल स्थिति में क्या है कि किराया नहीं दे रहा तो जिस दिन से उसका किराया बकाया हुआ एरियर्स ऑफ रेंट हुआ जिस दिन से बकाया हुआ उस दिन से उसकी लिमिटेशन काउंट हो जाएगी और उस दिन से वो तीन वर्ष की अवधि के अंतर्गत कभी भी वाद ला सकता है परसीमा अधिनियम का आर्टिकल 52 इस विषय पे बात करता है जी। ऐसे कई प्रकार के विवादों के लिए परसीमा बताई गई हैं परसीमा अधिनियम में जिसके अंतर्गत उस समयावधि में वाद दायर किया जा सकता है लेकिन मेन बात आपको ध्यान रखना है जब डिस्प्यूट एराइज होता है और जिस दिन डिस्प्यूट एराइज हुआ उस दिन से वो पर सीमा काउंट होना शुरू हो जाए। बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर हम जब व्यवहारवाद की बात करते हैं तो एक हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए हम जानना चाहेंगे कि व्यवहारवाद के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जो व्यवहारवाद कहलाते हैं जी व्यवहारवाद सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो उसको लोग दीवानी बात कहते हैं जी दीवानी मुकदमा चल रहा हमारा जी। लेकिन अगर आप सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जाते हैं तो सेक्शन 9 ये बताती है कि व्यवहारवाद क्या होंगे तो सेक्शन 9 को अगर कोई सामान्य व्यक्ति पढ़ेगा तो इतनी जल्दी वो समझ में नहीं आता उसमें लिखा हुआ है कि अभिव्यक्त या विवच्छित रूप से जो चीज़ें मना की गई हों एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली जो मना किया गया है उसको छोड़कर सभी प्रकार के वाद व्यवहारवाद कहलाएंगे लेकिन इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे संपत्ति से संबंधित वाद व्यवहार बाद में आएंगे जी। किसी पद या आफिस यानी किसी भी पदस्थापना या पद या आफिस तात्पर्य किसी नौकरी पाने के लिए नहीं जी। उसमें पद या आफिस कई विवरण दिए गए हैं ऐसे धार्मिक कृत्यों धार्मिक क्रियाकलापों धार्मिक उपासना इनसे संबंधित वाद व्यवहारवाद की श्रेणी में आएंगे लेकिन जैसे उदाहरण के लिए लीजिए कि कोई जाति से संबंधित वाद है तो जाति से संबंधित वाद में एक समाज के रूप में वाद लाया जा सकता है तो वो व्यवहारवाद हो सकता है समाज के रूप में कैसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम अमुक समाज के हैं हमको ये अधिकार मिलना चाहिए उसके लिए वाद ग्राह्य होगा जी, लाया जा सकता है लेकिन अगर वही व्यक्ति यह कहता है कि हम इस समाज के हैं और हमारे ही समाज के अमुक व्यक्ति ने हमें निमंत्रण नहीं दिया जी, तो वो व्यवहारवाद की श्रेणी में नहीं आएगा इसलिए सेक्शन नाइन में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जैसे आप धार्मिक कृत्यों के बारे में चलिए तो धार्मिक कृत्य में जैसे धार्मिक उपासना के लिए जी, धार्मिक मंदिरों में देखते हैं भगवान के को पार्टी बना के लाते हैं उनके नाम से तो उसके लिए तो लाया जा सकता है लेकिन इस चीज के लिए बात नहीं लाया जा सकता कि अमुक व्यक्ति इस तरह से कोई पूजा पाठ करे पूजा पाठ करने का अधिकार हमें है सेवायत और इन सब चीजों के रूप में मंदिर के पुजारी के रूप में हम कर सकते हैं लेकिन हम इसलिए नहीं ला सकते कि इस ढंग से पूजा की जाए सर एक जबलपुर से पे हैं। अशोक जी कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है बताइए क्या पूछना चाहते हैं जी जी मैं, मैं सर से ये जानना चाहता हूँ जी की आज कल लोग केस है पड़ा तो हमारे पास तहरे का और ये चल रहा है तो ऐसे ही बात बैठा रहेगा और उनके पास जो है उनका एरिया उसको लोग बंद कर देते हैं उसमें अपना खुद बना के रहते हैं मजे मारते हैं और उनको पता है कोर्ट में देर तो लगे कि भाई जांच होती है तो इसके लिए क्या कानून में क्या काम है कि लोग तो झूठा केस दायर ना करें और लोगों को फंसा ना सकें ताकि लोगों को काम ही नहीं हो पाता वहाँ तो तब काम मिलता है जी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने हाँ, इसी हाँ, पर चर्चा की थी इनका भी नाली का, सम, हाँ, इनका नाली का कोई केस है देखिए जैसे हवा हो गई प्रकाश हो गया नाली हो गया जी, जो बहता हुआ नाला है जी, ये सब सुखा सुखाचार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जी, अब किसी ने किसी की नाली बंद कर दी जी। और वो पानी नहीं जाने दे रहा जी। तो उसके अधिकार को वो बाधित कर रहा है इसके लिए आप मुकदमा दायर कर सकते हैं कि यहाँ से सुखाचार क्योंकि नाली इनकी भी नहीं होगी और उनकी भी नहीं होगी वो सार्वजनिक होगी किसी की निजी नाली तो उसके मकान के अंदर होगी बिल्कुल तो सुखाचार का वाद दायर किया जा सकता है ये सार्वजनिक वाद है और वैसे मेरा मानना है कि ऐसे छोटे छोटे वादों को अगर स्थानीय स्तर पर निपटा लिया जाए तो व्यवहार वाद की जरूरत ही ना पड़े और जहां तक मुकदमे में टाइम लगने का समय है तो सिविल प्रक्रिया संहिता उन्नीस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब वाद दायर होता है तो वायद दायर करने के अंदर अंदर करने वाद दायर जैसे आपने किया उसके बाद डिफेंडेंट जो दूसरी पार्टी होती है उसे समझ जाता है तीस दिन के अंदर उसको अपना रिटर्न स्टेटमेंट मैक्सिमम उसको 90 डेज है इसके बाद तीन अवसर वादी को दिए जाते हैं गवाही के तीन अवसर उनको जल्दी है लेकिन ये स्वयं में निर्धारित करना होगा कि हमें न्यायालय बैठी है न्यायालय कहीं नहीं जाती लेकिन व्यक्ति को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और उनके उसको अपने केस के प्रति प्रोत्साहित होगा अधिकतर केस आते हैं जैसा ये बता रहे हैं लोग महीनों चलाने के लिए स्टे लेते रहते हैं लेकिन आपको अपना रखना पड़ेगा और तीन अवसर का उपयोग कीजिए जो दिए गए हैं जी उसके बाद कहिए न्यायालय से कि समय समाप्त किया जाए बिल्कुल <laughs> बिल्कुल अशोक जी जैसा कि सर ने बताया कि न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है उसके तहत वो कार्य करती है पर यदि आप अपने केस के प्रति जागरूक हैं और आप न्यायालय को अवगत कराते हैं कि साहब इतना समय हो गया है तो बिल्कुल आप प्रायोरिटी पे अपने प्रकरण को रखवा के और जो भी अधिकार से बाहर वो लोग समय ले रहे हैं उसको आप खत्म करा सकते हैं और जल्दी निराकरण करवा सकते हैं जी। सर हम चर्चा कर रहे थे कि व्यवहारवाद में किस तरह के केसेस होते हैं तो आप बता रहे थे कि पूजा का संपत्ति संबंधी तो उसके बारे में आप जानकारी तो संपत्ति हाँ, संबंधी जैसे बात है मान लीजिए मान लीजिए कि कोई किसी की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है जी, तो उसके लिए आप स्थायी निषेधाज्ञा कर हैं टाइटल डिक्लेरेशन है कि किसी संपत्ति का स्वामी घोषित किया जाए जी, तो इस प्रकार से सेक्शन नाइन में कई चीजें बताई गई हैं सेक्शन नाइन में ये बताया गया कि व्यवहारवाद क्या है जी, लेकिन उसको निगेटिव थाट्स में लिखा जाता है कि व्यवहारवाद ये नहीं है तो ये नहीं है मतलब उसको उतनी चीजों को छोड़ के बाकी चीजें व्यवहार जैसे रेवेन्यू कोर्ट हो गई तो रेवेन्यू कोर्ट में म्यूटेशन का है नामांतरण का है लेकिन वो वाद यहाँ नहीं चलते बिल्कुल लेकिन जैसे टाइटल डिक्लेरेशन का हुआ इसी ने कहा कि हम इस जमीन के हम स्वामी है तो जमीन के हम स्वामी है ये घोषित करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है जी। तो फिर टाइटल डिक्लेरेशन कराना है स्वत्व की घोषणा करानी है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा सेक्शन काफी बड़ा है जी जी सामान्य शब्दों में इसको ऐसे ही समझा बिल्कुल जा सकता आपने है। बहुत अच्छी जानकारी दी कि बहुत सारे प्रकरण सिविल मैटर्स में आते हैं सामान्यतः धारणा ये होती है कि सिर्फ प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं वो ही सिविल मैटर्स में आते हैं जी। पर ऐसा नहीं है <laughs> बहुत सी चीजें हैं जी।, जी सर हम बात कर रहे हैं जब परिसीमा की और क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकार की तो परिसीमा क्या जब आपने बताया कि इतने तरह के केसेज आते हैं तो सभी में एक जैसी ही होती है लिमिटेशन जो है प्रकरण दायर करने की ये आपका प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है जी परसीमा अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकार की अवधि होती है या नहीं ये महत्वपूर्ण चीज है जी परसीमा अधिनियम में जो शेड्यूल बताया हमने कि आर्टिकल वन टू वन थ्री सेवन आर्टिकल है जी। एक से एक सौ सैतीस अनुच्छेद बताए गए हैं जी और उस अनुच्छेद में कई प्रकार की परसीमाएं हैं हम बात कर रहे है व्यवहारवाद की जो व्यवहारवाद में किस प्रकार के वाद आएंगे तो व्यवहार वाद में आप सबसे पहले जैसे परसीमा अधिनियम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अकाउंट्स से रिलेटेड सूट सूट्स रिलेटेड टू अकाउंट हो गए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अकाउंट हो गए टाइटल डिक्लेरेशन के हो गए जी, और अचल संपत्ति के हो गए जी, अब अचल संपत्ति के जो वाद हैं वो सामान्यतः बहुत कम स्थितियों में इस ढंग से देखने जो बंधककर्ता के लिए हैं जो बंधक वाले वाद हैं आज के समय में कम हो चुके हैं तो बंधक के जो वाद हैं उनमें तो बारह वर्ष की परिसीमा है जी। लेकिन सामान्य जो कोर्टों में मुकदमे आते हैं वो घोषणा के यानी टाइटल डिक्लेरेशन के बाद आते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बाद आते हैं इन सब में परिसीमा सामान्यतः तीन वर्ष की है और तीन वर्ष की अवधि के रहते हैं लेकिन इनके सबके बारे में अलग अलग बताया गया है जैसे एक चीज आपको और बता देता हूं कि अपकृत्य अधिनियम है टॉर्ट्स टॉर्टियस लाइबिलिटी जहां है उसके लिए एक वर्ष है एक वर्ष की परसीमा है लेकिन सिविल सूट के लिए मैक्सिमम केसेस में थ्री इयर्स की लिमिटेशन है और थ्री शुरू में आपको बताया कि वो वहीं से काउंट जी। दिन से या कोई वजह रही हो और वो परिसीमा अवधि निकल गई है जी। और वो केस दायर करना चाहता है तो क्या कानून में कोई प्रावधान है कि उसे कोई राहत या कोई सहायता मिल सकती ये विषय बहुत आता है कोर्ट में जी और ये देखने में भी आता है कि परिसीमा जो है वो लिमिटेशन निकल जाने के बाद लोग आते हैं और सेक्शन फाइव जी पर लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन फाइव लेके आते हैं जी सबसे पहले ये समझना होगा कि सेक्शन फाइव लिमिटेशन एक्ट जी स्पेशल रूप से बात करता है एप्लीकेशंस और अपील के लिए जी कोई आवेदन लगाना है जैसे कोई आवेदन आपको पेश करना है जी, तो उसकी परिसीमा जो निर्धारित है वो चूक गए आप जी या आप ऐसी परसीमा जैसे अपील तीस दिन के अंदर अपील करनी है आप अपील नहीं कर पाए इसके लिए तो ठीक है लेकिन सिविल सूट दायर करने के लिए परसीमा नहीं है इसलिए नहीं है परसीमा क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में स्पेसिफिक रूप से प्रत्येक वाद के लिए परसीमा का निर्धारण किया गया है जैसे विनिर्दिष्ट संपत्ति के अंतर्गत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत परसीमा तीन वर्ष की बताई गई है जिस दिन से डिस्प्यूट एराइज होता है या जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पीरियड लिखा है उस पीरियड से के बाद अगर कोई किसी मान लीजिए कि कोई रजिस्ट्री कराना चाहता है दो व्यक्ति ज़मीन खरीद रहे हैं एग्रीमेंट करा लिया एग्रीमेंट में लिखा है दो वर्ष के बाद दो वर्ष की अवधि में पैसा दे देगा और रजिस्ट्री करा दी जाएगी अब उस दो वर्ष की अवधि में अगर आप पैसा नहीं दे पाते और दो वर्ष की अवधि जिस दिन बीत जाती है उस दिन से तीन वर्ष की अवधि आपके लिए परसीमा काउंट होगी इसलिए परसीमा अधिनियम जो है सिविल सूट पर लागू नहीं होगा लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एक है विधिक निरयोग्यता सेक्शन नाइन है लिमिटेशन का और एक सेक्शन ट्वेल्व है जो टाइम को एक्सक्लूड करने की बात करता है जी। तो सेक्शन नाइन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया लिमिटेशन आज से शुरू होनी है उसकी दो वर्ष की अवधि जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया बीत गई आज से शुरू बिल्कुल अब उस दौरान वो पागल हो गया जिस दिन से लिमिटेशन शुरू हुई वो पागल हो गया जी। तो ऐसी स्थिति में वो टाइम एक्सक्लूड किया जा सकता है जी। अगर एक पागलपन है और पागलपन के बाद दूसरी उसको कोई स्थिति ऐसी हो गई कि वो नहीं कर सकता तो वो भी काउंट हो जाएगा इसलिए लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत सिविल सूट के लिए स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है एप्लीकेशन और अपील के लिए है फिर भी यह निगिता की बात करता है एक बात और ध्यान में आई आपको बता दूं, जी, जैसे कोविड का पीरियड था जी, कानून कोर्टें स्वयं नहीं बढ़ा सकती लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 जी। का उपयोग करते हुए टाइम को वो बढ़ा सकते हैं कोविड के पीरियड में सब जगह सभी चीजें बंद थी जी। दावा दायर नहीं हो सकता कोई बाहर नहीं जा सकता ऐसी स्थिति में जो लिमिटेशन कोविड पीरियड के टाइम पे काउंट हो रही थी और बंद हो रही थी उस समय वो परसीमा को एक्सक्लूड करके आगे बढ़ा दिया गया जी। मतलब उन दो वर्षों की अवधि में अगर किसी की लिमिटेशन खत्म हो रही तो वो लिमिटेशन आगे बढ़ा दी गई है जी। तो ये सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही कर जी। सर संक्षिप्त में जानना चाहेंगे क्योंकि समय कम है जी। जो क्षेत्राधिकार है वो कितने प्रकार का होता है क्या क्या, क्या कौन कौन से क्षेत्राधिकार देखिए क्षेत्राधिकार की बात सी पी करता है जी सीपीसी में सेक्शन सिक्स है आर्थिक क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है और इसके बाद है सेक्शन फिफ्टीन टू ट्वेंटी धारा पंद्रह से लेकर धारा बीस तक जो बात करता है वह विषय वस्तु संपत्ति जहाँ स्थित है जी, उससे संबंधित वाद जी, धारा सोलह इस विषय की बात करती है कि जो संपत्तियाँ विषय वस्तु स्थित हैं उनमें कौन कहाँ स्थित है उसके आधार पर जी, धारा सत्रह बात करती है कि एक ही संपत्ति कई जगह पे है जी, कौन सा फोरम आप चुनेंगे सेक्शन 18 न्यायालय की बात करता है कि न्यायालय की सीमाएं अगर डिसाइड नहीं है कि किसके अंतर्गत सेक्शन 19 शरीर के प्रति किए गए दोष के लिए है जी, और सेक्शन 20 बात करता है जहां प्रतिवादी निवास करता है या जहां काज ऑफ एक्शन अराइज होता है जी, ये है टेरिटोरियल जूरीडिक्शन आपका और एक है धनी आर्थिक क्षेत्राधिकारिता जिसके अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीज़न सीनियर डिवीज़न और डीजे लेवल पे डिसाइड किया गया है कि किसकी कितनी परिसीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को दी दर्शकों जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जो सिविल सूट हैं उसमें एक खास तौर से जो ध्यान देने वाली बात है वो है परिसीमा की कि आप जो न्यायालय है वो जागरूक व्यक्ति की ही सहायता कर सकता है सोए हुए व्यक्ति की, की कोई सहायता नहीं करता तो आपको जरूरत है जागरूक होने की और समय पर अपना केस लगाने की और कानून के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आज हम आपसे यही विदा लेते हैं अगले अंक में फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार